हेलो एंड वेलकम टू एकेडी स्टडी जोन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको एकदम से मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्यूशन ऑफ विच कंपाउंड इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉश। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो है CaO। तो CaO इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर गिवन रिएक्शन विच वन इज़ द करेक्ट। तो यहाँ पर रिएक्शन दिया आपके पास 2PbO प्लस कार्बन, इट विल गिव अस 2PbB प्लस CO2। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये लेड इज़ बीइंग रिड्यूस्ड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज। तो ये दोनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन जो आपके बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच गैस इज फिल्ड इन द पैकेट ऑफ चिप्स। तो ये आप सभी जानते हैं कि N2 ये हमारे चिप्स के पैकेट में भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट। तो लिटमस जो है वो लाइकेन, ठीक है। तो लाइकेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटमोसफेयर ऑफ विच प्लांट इज मेड अप ऑफ क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड से एटमोसफेयर के प्लैनेट है वो वीनस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन आंट बाइट। ठीक है, जो चींटी के काटने पर होता है वो है मिथेनोइक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ। तो बेकिंग पाउडर किसका मिक्सचर है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बेसिक सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएच वैल्यू ऑफ एसी ड्रेन। तो जो पीएच वैल्यू है एसी ड्रेन की वो हमारी है लेस देन 5.6। तो लेस देन 5.6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल मेल्ट्स इन ह्यूमन हैंड। तो गैलीलियम इज द मेटल जो हमारे हैंड पे मेल्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज टू प्रिवेंट सोरिंग ऑफ मिल्क। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है NaHCO3। तो NaHCO3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एटमोस्फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद डैश। तो यहाँ पर ये दोनों के साथ करती है, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। तो बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोल्डर इज़ एन एलॉय ऑफ। तो यहाँ पर PB प्लस SN ये इसके साथ मिलकर जो है सोल्डर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, इन एमलगम एलोए वन ऑफ द मेटल इज डैश। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है HG यानी कि मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स। यहाँ पर ट्रैक्स है, तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास Fe2O3 प्लस AL इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीटिंग अप ऑफ सल्फाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आपके पास है रोस्टिंग इज़ द राइट आंसर। जो रोस्टिंग है वो हीटिंग अप करने पे सल्फाइड और इन की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, टेम्परेचर हमारा रोस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीनाबार इज़ द ओर ऑफ। तो यहाँ पर सीनाबार जो है किसका ओर है, ये जो सीनाबार दिया है वो है HG का, ठीक है। तो HG इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड इट इज़ मिक्सड विद। जो ऑर्नामेंट्स हैं गोल्ड के बनाए जाते हैं वो कॉपर प्लस सिल्वर। तो ऑप्शन सी जो है कॉपर प्लस सिल्वर जो है, कॉपर और सिल्वर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर। तो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, एसिडिक और न्यूट्रल। तो एसिडिक और न्यूट्रल यानी कि ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थी इम्प्योरिटीज ऑफ सैंड एंड क्ले एसोसिएटेड विद और आर कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं हम गैंग, ठीक है। तो गैंग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वेरिजिया इज़ द फ्रेश मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो। तो उसकी जो रेशियो है हमारे पास किसकी, HCl और कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की, वो 3:1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज़ एन नॉन मेटल विद विच इज़ लिक्विड। तो ब्रोमीन जो है आपकी ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन
कंपोनेंट ऑफ सीएनजी, तो मेन कंपोनेंट सीएनजी क्या है, मीथेन, मीथेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रोलाइट, इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इन प्योर मेटल इज मेड, तो यहाँ पर एनोड से बनाई जाती है, एनोड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनेगर इज -% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो यहाँ पर जो सबसे कम आपको दिखाई दे रहा है वो 3 से 4 के बीच में है, तो 3 से 4% के बीच में जो वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर द डैश एंड साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, सोडियम एंड पोटाशियम, NaNKa। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेशन इज एन प्रोसेस, तो रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, वो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्लेट लाइम, तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्लेट लाइम जो है वो CaOH2 होता है, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास एक ब्लीचिंग पाउडर का आता है CaOCl2, तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है हमारा CaOCl2 इज द राइट आंसर होगा उसका, ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोबार्स आर द एटम्स विच हैव डैश मास, यहाँ पर सेम मास हो जाएगा, मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है बी सेम और डिफरेंट, तो यहाँ पर आपके पास सेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ सेम आ जाएगा और यहाँ पे डिफरेंस, डिफरेंट, ठीक है। तो इसी के साथ ये 28 क्वेश्चन कंप्लीट। 29 देखते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड बाय डैश एंड रिस्पेक्टिवली, डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली, तो जे जे थॉम्सन एंड ई गोल्डस्टीन, तो जे जे थॉम्सन और ई गोल्डस्टीन के द्वारा जो था ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवर किया गया था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आइसोटोप्स ऑफ विच एलिमेंट्स इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोबाल्ट इज द राइट आंसर, तो कोबाल्ट जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए 30 क्वेश्चन, ठीक है, 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, 30 के 30, और ये जो है सारे के सारे प्रीवियस पेपर जो है, ठीक है, ओल्ड पेपर से हमने लिए हैं, तो आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि टेट की और कमीशन की आपकी तैयारी हो सके। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल का नाम आप सभी जानते हैं AKD Study Zone, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।